बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर नंबर 23 के अंदर सेकंड ईयर के मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, तो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नेम है डिफ्रेंशिएशन। हमारी एक्सरसाइज 2.5 चल रही है और कल के लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, वो आपके पास क्या था, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक हो गया, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने थे आपके पास, 6 थे, तो उसके इनवर्स भी कितने होंगे, 6 होंगे। तो हम उनके फार्मूलाज को क्या किया था, कल डिस्कस किया था और उसके प्रूफ को भी क्या किया था, हमने कम्प्लीट किया था। क्लियर हो गया बच्चों? आज हम लोगों ने क्या करने हैं, जो एक्सरसाइज 2.5 के लेफ्ट क्वेश्चन रहते हैं आपके पास, वो कितने ने आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास। ठीक हो गया, वो कल के फार्मूलाज आपको याद हो गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक हो गया, तो हमने क्या करना, उन तमाम फार्मूलाज को आज इसमें यूज करना, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 के अंदर। पहले मैं क्या करता हूं, तमाम फार्मूलाज राइट कर देते हैं जो हमने कल क्या किए थे, डिस्कस किए थे। ठीक हो गया, पहला तो आपके पास क्या था, जल्दी से बता देना मुझे, d/dx sin इनवर्स। साइन इनवर्स का फार्मूला आपके पास क्या था बच्चों, 1/√1 माइनस क्या था, एक्स स्क्वायर था, ऐसे था ना। फिर डेरिवेटिव ऑफ कोज इनवर्स का फार्मूला क्या था, मैंने आपको बताया था कि आपने साइन वाले फार्मूले के साथ क्या लगा देना, जस्ट आपने माइनस लगा देना, ऐसी है। फिर मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स क्या था आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स क्या था, 1/1 + x2। और हम मैंने आपको कल बताया था कोट इनवर्स के साथ डेरिवेटिव का जो फार्मूला होगा, टैन के फार्मूला लिख के साथ में आपने क्या लगा देना बच्चों, माइनस लगा देना। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इनवर्स, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इनवर्स ऑफ एक्स किसके बराबर था, 1/(x)(x²-1)। डेरिवेटिव ऑफ कोसेकंड इनवर्स मैंने आपको कल बताया था बच्चों के माइनस लगा के सेकंड वाले फार्मूले के साथ, ऐसे था ना आपके पास, ऐसे का वैसे लिख देंगे आपके पास। ठीक हो गया, तो ये 6 आपके पास क्या है, डेरिवेटिव है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूलाज हैं आपके पास। ठीक हो गया बच्चों, इनके बिना क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। जहां पे साइन इनवर्स आएगा आपने ये फार्मूला यूज करना है, बाकी आपको पता है कि आपने डेरिवेटिव कैसे लेना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, पहले फंक्शन का फिर एंगल का। इसमें भी क्या होगा, ऐसे ही होगा, पहले फंक्शन का फिर उसके एंगल को हमने देखना है। क्लियर हो गया बच्चों? तो इन तमाम फार्मूलाज को हमने क्या कर लिया, राइट कर लिया। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपके पास, उसके टोटल आपके पास 8 पार्ट है। ठीक हो गया, उसमें से 4 मैं आपको करवाने लगा हूँ और 4 आप लोगों ने क्या करना, खुद ही सॉल्व करने। टोटल 8 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 के। ठीक हो गया, और इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ जाता होता है। 4 मैंने यहाँ पे राइट कर लिया, कोज इनवर्स x/a, 1/a साइन इनवर्स a/x, सेकंड इनवर्स x²+1/(x²-x), दूसरा आपके पास है कोट इनवर्स 2x/(1+1−x²)। ठीक हो गया, अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे तमाम इनवर्स फंक्शन के अंदर x आ रहा है, एंगल आपके पास क्या आ रहा है, x। ठीक हो गया, x का जब डेरिवेटिव लेते हैं एंगल का तो क्या आता है, 1, क्यों, यहाँ पे x नहीं है, h/a है, a/x है, यहाँ पे x²+1/(x²-1) है, यहाँ पे क्या 2x/(1−x²), तो वहां के एंगल में इनके एंगल में फर्क है आपके पास। ठीक हो गया, यूज आपने वैसे ही करना है जैसे आपने एंगल का डेरिवेटिव अच्छे से लेना है, आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, पावर रूल, वो जैसे आएगा आप लोगों ने लगाते जाना। ठीक हो गया बच्चों, अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपके पास, पहले क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं आपके पास, तो पहले तो आप क्या कर लें, y के इक्वल लेट कर लें, किसको, कोज इनवर्स को लेट कर लें, y के x/a हो गया, दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दें, x के लिहाज से डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, किसके लिहाज से बच्चों, x के लिहाज से। अब जरा गौर कीजिएगा बच्चों, याद रखिएगा कि जो आपके पास a है ना पट्टी के अंदर, वो आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना कोई फर्क पड़ेगा, वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा, आपने जस्ट वेरिएबल पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है। ठीक हो गया, अब ये क्या आ जाएगा आपके पास, dy/dx आ जाएगा। ठीक है, अब कोज इनवर्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या है, कोज इनवर्स का डेरिवेटिव है -1/(1−x²), यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे क्या है, x/a, देखिएगा जरा, -1/(1−x²)
वन माइनस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन ए का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे ये चीज आपने लाजमी करनी है, अगर एंगल में एक्स ही होता तो वैसे का वैसे आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या एक्स अपॉन ए है, तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा आपका एक्स अपॉन ए आ जाएगा। फिर आपने किसका डेरिवेटिव लेना आगे बच्चों, एंगल का लेना है, बस ये चीज याद करने वाली आपकी, डिवाइडेड बाय माइनस वन अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास, वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर। अब एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन, ए आपके पास क्या कांस्टेंट है, वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है, वन बाय ए को बाहर ले लें और एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास, वन आ गया। क्लियर हो गया बच्चों। अब जो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसका एलसीएम ले लें, क्या आएगा आपके पास, इसका एलसीएम क्या आएगा आपके पास, माइनस वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर आ जाएगा। ये वन बाय ए वैसे का वैसे आ गया। यहाँ पे चलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स आपका किसके बराबर आ गया, जल्दी से बता दें मुझे, तो ये वाला ए स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर है, जब ये चीज कैंसिल होगी तो आपके पास क्या चीज रह जाएगी, माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या रह जाएगा, ए, वन बाय क्या रह गया, ए रह गया। तो ये ए थर्ड प्लेस है, कहाँ पे चली जाएगी आपके पास, फर्स्ट प्लेस पे चली जाएगी, माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन बाय ए आ गया, ए से क्या हो गया कैंसिल, तो डी वाई बाय डी एक्स किसके बराबर आ गया बच्चों, माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट आ गया आपके पास। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये आपके पास क्या आ गया, कोज इनवर्स एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव आ गया। मैं एक दफा क्या कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ अगेन। तो हमने क्या किया बच्चों, सिर्फ जो हमने प्रूफ करना था उसको y के इक्वल लेट कर दिया है, ये आप लोगों को पहले से पता है, ठीक है। y का डेरिवेटिव हम x का डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब cos इनवर्स x अपॉन a दोनों तरफ क्या अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, डेरिवेटिव अप्लाई करना है, ठीक है। अगर डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद cos इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, पहले मैं कह रहा हूँ बार बार, पहले फंक्शन का फिर एंगल पे जाना आपने। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या, माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट आपके पास। क्लियर हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा, हमने इस पे तो लगा दिया फार्मूला, लेकिन यहाँ पे क्या एक्स अपॉन ए, वहां पे क्या सिंपल एक्स आपके पास। क्लियर हो गया, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे क्या आ गया, एक्स की जगह पे एक्स अपॉन ए आ गया। अगेन एंगल का डेरिवेटिव लिया, एक्स अपॉन ए, वन अपॉन ए कॉन्स्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया वन, यहाँ पे क्या किया इसका एलसीएम ले लिया। अब आपको पता है बटन में भी अंडर रूट है, ये अंडर रूट आपका पूरे का ही है, ठीक हो गया बच्चों। अब नीचे वाले भी अंडर रूट करेंगे तो सिंपल क्या रह जाएगा, ए। थर्ड प्लेस वाला कहाँ चला जाता है आपका, फर्स्ट प्लेस पे चला जाता है, ए ए से क्या हो गया कैंसिल, तो ये आपके पास क्या आ गया आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया बच्चों। अब आप क्या करें, इसको जल्दी से नोट करें, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 के आपके पास y के इक्वल क्या कर लें बच्चों, उसको लेंट कर लें, वन अपॉन ए साइन इनवर्स a अपॉन x। क्लियर हो गया बच्चों। यहाँ पे क्या आ गया, a अपॉन x, पिछले क्वेश्चन में क्या था x अपॉन a, यहाँ भी a क्या है कॉन्स्टेंट है आपके पास, ठीक हो गया। दोनों तरफ क्या अप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, ठीक हो गया। इधर भी डेरिवेटिव, इधर भी क्या करते हैं डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, साइन इनवर्स a अपॉन क्या आ जाएगा x, और साथ में क्या आएगा वन अपॉन ए। ये तो क्या बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, वन अपॉन ए तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, डेरिवेटिव हमने किसका लेना बच्चों, साइन इनवर्स ए अपॉन एक्स। क्लियर हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, ये वाला, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे क्या ए अपॉन एक्स है, मतलब अपॉन अंडर रूट वन माइनस ए अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। किसका डेरिवेटिव लेंगे आगे हम, एंगल का लेंगे, a अपॉन x, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे, वन अपॉन ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया ए स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा, a तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, किसका डेरिवेटिव लेंगे बच्चों हम, वन अपॉन एक्स का। क्लियर हो गया बच्चों। अब आगे चलते हैं हम लोग, कि आपने क्या करना, जरा अभी और जरा गौर कीजिएगा, a a से क्या कर देते हैं हम, काट देते हैं, तो आपके पास क्या चीज रह जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स, विच इज इक्वल टू नीचे वाले का एलसीएम क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, डी वाई बाय डी एक्स, अब एक्स आपके पास वन बाय एक्स है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एक्स माइनस वन कर लेते हैं, ठीक हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। अब यही वही सेम प्रोसेस बन गया, वन अपॉन अंडर रूट क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या रह जाएगा, सिंपल एक्स रह जाएगा आपके पास, ठीक है, ये बटे का बटा है। अब जरा गौर कीजिएगा, इस पे लग रहा है पावर रूट, पावर क्या आ जाएगी आपकी शुरू में, पावर में से आपने क्या कर देना है,
पावर आ जाएगी बच्चों, शुरू में पावर में से एक माइनस, तो आगे एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा वन। ये थर्ड प्लेस कहाँ चली जाएगी, फर्स्ट प्लेस पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस वन, एक्स की पावर कितना आ जाएगा माइनस टू हो जाएगा। ऐसी है, अब जरा गौर कीजिएगा, एक्स अपॉन क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आ गया प्लस का, ये आपस में कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक हो गया। तो ये डेरिवेटिव कहलाता है आपका, क्लियर हो गया बच्चों। तो हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं कि आपके पास y इज इक्वल टू पॉट इनवर्स 2x अपॉन क्या आ जाता है आपके पास 1 माइनस x का स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सीक्रेट को हम बाद में सॉल्व करते हैं क्योंकि इसमें स्पेस ज्यादा चाहिए, तो हमें इस चीज को रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक हो गया बच्चों। तो अब क्या करें, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, ठीक हो गया। दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे dy अपॉन dx हो जाएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास cot इनवर्स 2x अपॉन क्या आ जाएगा 1 माइनस x का स्क्वायर आ गया। अब जरा गौर कीजिएगा, cot इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है ये वाला, ठीक है। अब x की जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, मतलब माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की जगह पे क्या आ जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर होल का स्क्वायर। अगेन आपने क्या लेना है, एंगल का डेरिवेटिव लेना है, बस यही चीजें याद रखनी है, बाकी हलवा है, कुछ भी परेशानी नहीं है। नीचे वाले का क्या करते हैं, स्क्वायर ओपन कर लें, 1 प्लस क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, नीचे वाला क्या आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया। मैंने अलग अलग किया, ओपन नहीं किया। यहाँ पे क्या लग रहा भाई, क्वेश्चन रूल लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा क्वेश्चन रूल लगेगा। नीचे वाले का आप क्या कर लें बच्चों, स्क्वायर ऐसी है, नीचे वाला फंक्शन ऊपर वैसे का वैसे, ऊपर वाले का आपने क्या लेना भाई, डेरिवेटिव लेना है, माइनस ऊपर वाला वैसे का वैसे, नीचे वाले का क्या लेना आपने डेरिवेटिव लेना, क्वेश्चन रूल आपको आना चाहिए, ठीक हो गया बच्चों। आगे चलते हैं जी हम लोग, अब इसका एलसीएम क्या आएगा नीचे वाले का, माइनस वन डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दें, वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक हो गया बच्चों। अब जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे क्या आएगा, देखते हैं जी, देखते हैं क्या आएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल का स्क्वायर ऐसे का ऐसे आ गया, ठीक है। थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर, टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है टू होता है, माइनस टू एक्स जी क्या आएगा, वन वन का जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स हो जाएगा, ले जी यहाँ पे आ गया हम लोग, ठीक हो गया। इसी को आगे हम कर लेते हैं जी मजीद, यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं हम लोग, ये वाला थर्ड प्लेस वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये ऊपर जाके यहाँ पे हम डायरेक्ट काट देते हैं इसको, थर्ड प्लेस ऊपर चली जाएगी, ऊपर वैसे ही हो जाएगा कट जाएगा आपका, माइनस वन अपॉन क्या आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है होल का स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर, ऐसी बच्चों ये आ गया। और जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू इससे मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, टू इससे मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा टू माइनस टू एक्स का स्क्वायर, ऐसी है। और ये भी क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा फोर एक्स का स्क्वायर, बटे में तो कुछ भी नहीं आएगा आपके पास, ठीक हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा, कुछ कटता है यहाँ पे, बिल्कुल कटता है, क्या कटता है भाई जल्दी से बता दें, तो क्या रह जाएगा माइनस, तो वैसे का वैसे आ गया, ये वाला रह जाएगा आपके पास टू प्लस टू एक्स स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ओपन करें वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स की फोर एक्स की फोर आ जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस कितना आ गया टू एक्स का स्क्वायर आ गया, ठीक है बच्चों। डी वाई बाय डी एक्स इसके बराबर आ गया, क्या कॉमन आता है टू कॉमन आता है वन प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा नीचे क्या रह जाएगा वन वन प्लस एक्स की फोर, चार में से दो कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा निकाल दिया टू एक्स स्क्वायर आ गया। नीचे वाला फॉर्मूला बन रहा है जरा गौर से देखें, डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे वाला बन रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन होल का स्क्वायर, दोनों सेम है एक काट दें तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर कर ले या एक्स स्क्वायर प्लस वन कर ले, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या ओके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, स्पेस थोड़ी थी इसलिए हमने किया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे, इस फॉर्मूला को रेज कर दूंगा आपके लिए, लिखे हुए मैंने। तो हमने क्या कि कोट इनवर्स का डेरिवेटिव लिए, रिपीट करने जा रहा हूँ मैं, तो दोनों तरफ क्या अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव, कोट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई तो करते हैं लेकिन एंगल डिफरेंट आ रहा है आपका, वहां पे एक्स है यहाँ पे कुछ और है,
फिर आपने एंगल का डेरिवेटिव लिया, वहां पे क्या लग रहा है, क्वेश्चन रूल लग रहा है। क्वेश्चन रूल क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला फंक्शन ऊपर वैसे का वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे का वैसे, और नीचे वाले का क्या लेना आपने डेरिवेटिव। ये हमने डेरिवेटिव लिया, 2x का 2 आ गया, 1 का 0 होता है, मैंने लिखा नहीं है, x स्क्वायर का माइनस 2x होता है, ठीक हो गया। अब ये वाली जो चीज है थर्ड प्लेस है ऊपर जाएगी फर्स्ट पे, ये वाली चीज आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल। अब जरा गौर कीजिएगा, मैंने इसी को आगे लिखा, ये वाली चीज तो वैसे की वैसे आ गई है, ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर, इसमें से माइनस किया, ये वाली चीज वैसे की वैसे आ गई, नीचे 4 में से 2 माइनस किया प्लस का 2 रह गया, ऊपर से मैंने क्या कर लिया 2 कॉमन कर लिया, ठीक हो गया बच्चों। कॉमन करने के बाद नीचे वाले का स्क्वायर ओपन किया और माइनस किया, 4 में से 2 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस करने के बाद जो आपका चीज बच गई है वो आपके पास रहेगी ये वाली, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक हो गया। फॉर्मूला बन गया, एक चीज काट दी तो आपके पास ये क्या आ गया, कंप्लीट इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो ये हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह ही है, ठीक हो गया। पहले आपने सेकंड का डेरिवेटिव लेना है, फिर आपने उसके एंगल का लेना है, क्लियर हो गया बच्चों। अब इसको नोट करें, फिर मैं वो भी करवाता हूँ आपको, ये चारों के चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक हो गया। आप इसको नोट करें, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। के लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो मैंने करवाना है यहां पे, बाकी चार आप क्या करेंगे खुद ही करेंगे असाइनमेंट के तौर पे। तो क्वेश्चन नंबर इसका फिफ्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कहता है कि आपने इसका सॉल्यूशन बनाना भाई। सॉल्यूशन क्या कहता है इसको, कि सेकंट इनवर्स है आपके पास, y इज इक्वल टू सेकंट इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। दोनों तरफ क्या ले लें भाई, डेरिवेटिव ले लें इसका, यहां भी क्या करते हैं डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, क्या आएगा सेकंट इनवर्स x square plus 1 divided by क्या आ गया x square minus 1, ठीक हो गया बच्चों। तो ये तो आ जाएगा dy by dx वैसे का वैसे आ गया। second inverse का derivative क्या था, 1 upon x into x square minus 1, यही था ना आपके पास, मैं सारा नहीं लिखा, ठीक है। तो 1 upon x की जगह पे क्या आ जाएगा x square minus 1 divided by x square plus 1 divided by x square minus 1, और फिर क्या आ जाएगा आपके पास पहले क्या आएगा x square plus 1 divided by x square minus 1 का स्क्वायर, फिर आपके पास क्या आएगा माइनस 1, फिर आपने क्या लेना बच्चों इसके एंगल का डेरिवेटिव लेना है। मुश्किल लग रही है, अब यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हैं, वो आपके पास क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो आपके पास क्या बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आप क्या इसको u ऐड कर लें, वो सेकंड u बन जाएगा, फिर आप चेन रूल लगा दें तो आपके पास क्या आ जाएगा उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं करना तो ऐसे करना तो ऐसे कर लें, जैसे आपको आसानी लगती है। अब ये क्या बन जाएगा आपके पास, जल्दी से वर्क देखिएगा, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब इसका एलसीएम ले लो जल्दी से, क्या आएगा एलसीएम, x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दें मुझे, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर आ गया। अब इस पे क्या लगा दें भाई, क्वेश्चन रूल लगा दें, क्वेश्चन रूल में डायरेक्ट लगाने लगा हूं इस पे, x स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाला फंक्शन वैसे का वैसे, ऊपर वाले फंक्शन का 2x आएगा माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे का वैसे, और नीचे वाले का भी क्या आएगा 2x आ जाएगा आपके पास, क्लियर हो गया बच्चों। अब क्या थर्ड प्लेस कहां चलेगी बेटा, ऊपर चलेगी फर्स्ट प्लेस पे, तो आपके पास क्या चीज रह जाएगी नीचे, x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 रह गया, ये वाला भी अंडर रूट से कैंसिल होगा, कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 ऐसी है, और नीचे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर, ऐसे कैसे जाएगा, इसको ओपन करेंगे पहले, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये आपके पास क्या बनेगा भाई, 2x स्क्वायर 2x की क्यूब माइनस 2x, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करने क्या आ जाएगा माइनस 2x की क्यूब, और माइनस क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया बच्चों। ये माइनस का ये प्लस का आपस में कैंसिल, x स्क्वायर माइनस 1 ये भी इससे आपस में क्या हो गया बच्चों कैंसिल हो गया, सिंपलीफाई हो गया ना। अब इतना बड़ा क्वेश्चन था और आंसर देखना क्या आएगा, छोटा सा आएगा। अब जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे क्या रहेगा x स्क्वायर प्लस 1, अब इसका फॉर्मूला ओपन कर देते हैं हम, क्या आएगा a की a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक हो गया, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आ जाएगा, ठीक हो गया, प्लस क्या आ जाएगा
बी स्केल आ जाएगा, माइनस से सात मैंने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि माइनस टू ए भी आएगा और प्लस हो जाएगा आपके पास। ऊपर क्या रह जाएगा आपके पास, माइनस का टू एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का फोर एक्स हो जाएगा। ठीक हो गया, अब जरा गौर कीजिएगा, ये वाला प्लस का ये वाला माइनस का आपस में क्या आंसर, तो आंसर क्या आएगा आपके पास बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर क्या रहेगा माइनस फोर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे क्या रह जाएगा जल्दी से बता दें भाई, प्लस का टू एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स स्क्वायर आ गया जी फोर एक्स का स्क्वायर, आंसर क्या आ गया माइनस फोर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये आ जाएगा आपके पास टू एक्स, एक्स एक्स के अंदर टू टू का कितना हो गया फोर, तो आंसर क्या आ गया जी माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, चार पार्ट मैंने आपको इसके करवा दिए, चार पार्ट आप लोगों ने खुद ही करने हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, जस्ट डेरिवेटिव लेना और आपके पास क्या सिंपल एक सिंपलीफिकेशन है वो आपके पास क्या होगी, क्वेश्चन रूल लग रहा है तो वहां पे अपने सिंपल सिंपलीफाई करना है। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे डेरिवेटिव है अप्लाई किया होगा, यहाँ पे डेरिवेटिव, यहाँ पे क्वेश्चन रूल है, ये क्वेश्चन रूल आ गया, पहले इसको मल्टीप्लाई करके हमने काट दिया सारा, ठीक हो गया, फिर इसका थर्ड प्लेस कहाँ चले गया, फर्स्ट प्लेस पे, इसका स्क्वायर ओपन किया हम, इनको काट दिया, सारी चीजें कट कट आ गया, आंसर क्या है छोटा सा है। ठीक हो गया, इतना बड़ा काम करने के बाद और इतना आंसर कितना है छोटा सा है। ठीक हो गया, और यही हमारे क्या यही हमारे लिए क्या खुशी की बात होती है, जब मैथमेटिक्स में कोई बंदा क्वेश्चन सोल्व कर रहा हो चाहे जितनी मर्जी देर लग जाए, जब उसका आंसर मैच कर जाता है तो इतनी खुशी होती है कि आप पूछिए मत कि जितनी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतनी खुशी होती है आपको। ठीक हो गया, तो आप क्या करें इसको नोट करें जल्दी से, फिर हम क्या करते हैं इसके अगले दो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, प्रूव है। ठीक हो गया, वो छोटे छोटे हैं आपके पास, ठीक हो गया बच्चों, वो हम लाजमी करने हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, इतने नोट करें जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का लॉन्ग के लिहाज से। ठीक हो गया, तो कई दफा आपके पेपर के अंदर ये क्वेश्चन बोर्ड में आया होगा। ठीक हो गया बच्चों, तो क्या कहता है, शो दैट dy / dx इज इक्वल टू y / x इफ y / x इज इक्वल टू tan इनवर्स x / y। मतलब आपने ये शो दैट करना है और आपको ये क्वेश्चन क्या गिवन आपके पास। ठीक हो गया स्टेटमेंट, तो हमने क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। ठीक हो गया, स्टार्ट करते हैं, डेरिवेटिव लेना आपने सिंपल और आपने इसको सिंपलीफाई करते हुए चले जाना। क्लियर हो गया बच्चों, स्टार्ट करते हैं जी, y / आपके पास क्या गिवन डैट किया, y / x = क्या आपके पास tan इनवर्स x / आपके पास क्या बच्चों y है। अब जरा गौर कीजिएगा, यहां पे y कर लेते हैं, ये x आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या कर लिया, सिंपल दोनों पे क्वेश्चन रूल लगाना पड़ना था। ठीक हो गया, हमने क्या कर लिया, इसको सिंपलीफाई कर लिया। ठीक हो गया बच्चों, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ पे कितने फंक्शन आ गए आपके पास, दो आ गए, ऐसी है, कितने फंक्शन है, दो है ना आपके पास, ये तो एंगल है ना एक्स / वाई, ये क्या बन जाएगा डी वाई / डी एक्स। अब फर्स्ट फंक्शन तो क्या आ जाएगा वैसे का वैसे, सेकेंड का हम क्या लेंगे बच्चों, डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव किसका आएगा, tan इनवर्स x / y प्लस tan इनवर्स, सेकंड फंक्शन आपके पास वैसे का वैसे और फर्स्ट फंक्शन का आप क्या लेंगे बच्चों, डेरिवेटिव लेंगे जो आपके पास क्या x है। क्लियर हो गया, अब आपने क्या करना है, x tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था, 1 / 1 प्लस x स्क्वायर था, x की जगह पे क्या आ जाएगा x / y होल का स्क्वायर आ जाएगा आपके ऊपर। क्लियर हो गया बच्चों, अगेन किसका डेरिवेटिव लेना भैया, आपने एंगल का लेना, वो आपके पास क्या है x / y। क्लियर हो गया बच्चों, प्लस tan इनवर्स x / y और x का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, 1 होगा। क्लियर हो गया, तो ये वाला dy / dx तो क्या आ गया वैसे का वैसे आ गया, dy / dx व्हिच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, यहां पे इसको वैसे कर लेते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा बच्चों, ये वाला x तो क्या आ गया वैसे का वैसे आ गया आपके पास, अब नीचे वाले का जब एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा बच्चों, वाई स्क्वायर। अब इस पे क्या लगेगा आपके पास, क्वेश्चन रूल लगेगा, कैसे क्वेश्चन रूल आप बता दीजिए, जैसे क्या होता है, नीचे वाले फंक्शन का हम क्या लेंगे स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर वैसे का वैसे, ऊपर वाले फंक्शन का आप क्या लेंगे डेरिवेटिव एक्स का माइनस एक्स वैसे का वैसे, और नीचे वाले फंक्शन का आप क्या लेंगे डेरिवेटिव लेंगे प्लस tan इनवर्स x / क्या आ गया y वैसे का वैसे आ गया। क्लियर हो गया बच्चों, यहां नेक्स्ट आपके पास क्या चीज बनेगी देखते हैं जी,
तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो वैसे का वैसे ही आ गया आपके पास, डी वाई अपॉन क्या आ गया डी एक्स, तो वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, ये थर्ड प्लेस है, थर्ड प्लेस कहाँ चली जाती है, फर्स्ट प्लेस से, एक्स से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक। अब ये वाली चीज का हम डेरिवेटिव लेते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, नीचे वाला तो क्या आ गया वाई स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया, ठीक हो गया वाई वैसे का वैसे, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन माइनस एक्स आपके वैसे का वैसे, और जब वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों डी एक्स आ जाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा, टैन इनवर्स एक्स अपॉन वाई किसके बराबर है आपका, वाई अपॉन एक्स के बराबर है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं वाई अपॉन एक्स हो गया। कुछ कटता है, बिल्कुल कटता है, ये वाला इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब ये वाला x x से नहीं काट देना, दरमियान में क्या आ रहा है बच्चों प्लस आ रहा है आपके ऊपर, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, चलते हैं ये आगे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे रह जाएगा x अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या चीज रह जाएगी y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ऐसी है प्लस क्या आ जाएगा वाई अपॉन एक्स आ गया। ठीक हो गया बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं जी, इसी के आगे कर लेते हैं हम लोग, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं कैसे, x चलो यहाँ कर लेते हैं, क्या आ जाएगा x y अपॉन y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, एंड क्या आ गया dy by dx प्लस क्या आ जाएगा y अपॉन x वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, अब जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे ना आपको भी आ रहा है क्या आ रहा है अपना dy by dx, ऐसी यहाँ पे भी क्या आएगा आपका dy by dx आएगा, ऐसी हो गया, थोड़ा सा हम शॉर्ट कर लेते हैं, और ये आपके पास आ गया। ठीक हो गया बच्चों, अब जरा गौर कीजिएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स आपका एक साइड पे लिया, डी वाई बाई डी एक्स ये वाला माइनस के मिला के क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, साथ में क्या आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ गया वाई अपॉन x आ गया। ठीक हो गया, यहां से क्या चीज को मनाते हैं dy by dx को मनाता है 1 plus x square upon y square plus x square आ गया, और यहां पे इसका एलसीएम क्या आ रहा है जल्दी से बता दें, इसका एलसीएम आएगा x into square आएगा y square plus x square, ये चीज कैंसिल तो ये आ जाएगा x square y plus ये चीज कैंसिल तो यहां पे आ जाएगा बच्चों आपके पास y square plus x square आ गया आपके पास। क्लियर हो गया, अब जरा गौर कीजिएगा नेक्स्ट चलते हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स तो आपके पास क्या आ गया वैसे का वैसे आ गया, y इसको भी हम कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय क्या आ गया y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया बच्चों, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर से क्या चीज कॉमन आती है, यहाँ भी y है ये भी y है, y यहाँ से कॉमन कर लें तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय y square plus x square, और ये वाला जो बटेगा x हम कहां लेते हैं बाहर ले आते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा ये वाली जो चीज है सारी की सारी क्या आपस में सेम है, तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी dy upon dx which is equal to y upon क्या आ गया x आ गया। क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया, मैं रिपीट करने के लिए जा रहा हूँ, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, जैसे आपने क्या करना है अंडरस्टैंड करना है और समझ कर क्या करना है हर स्टेप को अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक हो गया, कैसे किया हमने बहुत आसान, फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है, क्या आपने ये शो डाइट करना है इफ y अपॉन x इक्वल टू किसके बराबर है tan इनवर्स x अपॉन y, हमने क्या कर लिया गिवन डेट जो हमारे पास है उसको ले लिया, x और जाके मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, क्यों इसलिए क्या था कि हम इस पर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे सिंपल डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया बच्चों, अब मैंने दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। ठीक हो गया, अब यहाँ पे तो क्या लग रहा है प्रोडक्ट रूल लग रहा है, पूरे पे क्या लग रहा है प्रोडक्ट रूल, x आपके पास एक फंक्शन है और tan इनवर्स x अपॉन y आपके पास एक सेपरेट फंक्शन है। ठीक हो गया, फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे का वैसे, फर्स्ट का क्या ले लिया हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होता है tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस x स्क्वायर, अब x है यहाँ पे तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है x upon y है, तो x upon y आ गया। ठीक हो गया बच्चों, तो अगेन एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा x upon y आएगा आपके पास। क्लियर हो गया, अब यहाँ पे आने के बाद ये चीज तो क्या आ गई tan inverse x upon y, x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, अब अगेन ये क्या चीज है x upon y डिवाइड हो रहा है तो क्या लगेगा क्वेश्चन रूल लगेगा, अगेन यहाँ पे कॉन्स्टेंट कुछ भी नहीं है याद रखिएगा, तो इसके एलसीएम लिया x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ गया x स्क्वायर आ गया। इस पे क्वेश्चन रूल यही वाला नीचे स्क्वायर
नीचे वाला ऊपर वैसे का वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे का वैसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया बच्चों? प्लस टैन इनवर्स एक्स अपॉन वाई वैसे का वैसे आ गया। यहाँ तो क्लियर है, अब आगे चलते हैं। dy / dx वैसे का वैसे आ गया। थर्ड प्लेस कहाँ चली जाती है? फर्स्ट प्लेस पे। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई अपॉन y² + x², ये वाला y² वैसे का वैसे, x का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है? 1, और y का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या होता है? dy / dx हो गया। y² आपस में क्या हो गया? कैंसिल आउट। अब ये वाला कहां से आया? y / x tan इनवर्स x / y किसके बराबर होता है बच्चों? शुरू में गिवन है क्वेश्चन में y / x के बराबर है, तो वहां पे y / x कर दिया। अब ये चीज खत्म हो गई है, तो सिंपल रह गई आपके पास। इस चीज को इन दोनों से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, इसके साथ भी कर दिया और इसके साथ भी कर दिया। अब हमने क्या करना है? dy / dx निकालना है, शोकत जाना। तो dy / dx में रकम इधर आके क्या कर दिया मैंने? प्लस की कर दिया। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज वैसे की वैसे आ गई है। अब यहाँ से क्या कॉमन आता है? dy / dx कॉमन आता है। अब यहाँ भी इसका एलसीएम लेंगे तो ये आता है, एलसीएम लेने के बाद ये चीज आ गई है। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ से तो क्या इसका एलसीएम लिया, y² + x² आ गया, ऊपर क्या आ गया? y² + x², ठीक है। अब आगे क्या आ गया? यहाँ पे भी ऊपर से क्या कॉमन आता है बच्चों? y कॉमन आता है। क्या चीज कॉमन आती है? ये वाला y और ये वाला y, यहाँ से क्या कर लिया? कॉमन। ये एक्सिस से क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई, मैंने अलादा कर लिया y / x। अब जरा गौर कीजिएगा, ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या सेम है? आप एक अलग स्टेप भी कर सकते हैं, कैसे? y² + 2x² y² + 2x², यहाँ भी तो सेम ही है ना चीजें, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? काट दिए। तो ये आपके पास क्या आ गया? प्रूव हो गया आपके पास, ठीक हो गया बच्चों। प्रूव होने के बाद ये क्वेश्चन आपके पास क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का, ठीक हो गया बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। तो हमारे पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 2.5। इंशाल्लाह आज क्या हो जाएगी? वाइंड अप हो जाएगी आपके पास, ठीक है। क्या कहते हैं? y इज इक्वल टू tan p tan इनवर्स, याद रखिएगा, ये जो आपके पास है ना p tan इनवर्स, ये इस tan का एंगल है। मतलब पहले tan का डेरिवेटिव फिर उसके एंगल का लेना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। शोड ऐड करना 1 + x² / 1, और यहां पे जो y1 है इसका मतलब है dy / dx ही है, ठीक है। इस y1 का मतलब क्या है? आगे जाके जब आप पढ़ेंगे ना हायर डेरिवेटिव, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? y1 भी लिख सकते हैं, इसको f प्राइम भी लिख सकते हैं, इसको f डॉट भी लिख सकते हैं, नोटेशन बताई थी मैंने। तो y1 का मतलब क्या है? dy / dx है फर्स्ट डेरिवेटिव आपका, यहाँ पे 2 होता सेकेंड, यहाँ पे 3 होता थर्ड डेरिवेटिव। आगे जाके हम 2.7 में इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। तो माइनस पी वन प्लस एक्स वाई स्केल इक्वल टू जीरो, इसको हमने शो डैड करना है। क्लियर हो गया बच्चों? स्टार्ट करते हैं। तो गिवन कि आपके y इक्वल टू टैन, एंगल में क्या? p tan इनवर्स x, ठीक हो गया। दोनों तरफ क्या अप्लाई करते हैं? डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं dy / dx, इधर भी क्या करते हैं बच्चों? डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। डेरिवेटिव क्या इसका? tan p tan इनवर्स x। tan का डेरिवेटिव क्या होता है जल्दी से बता दे? secant स्क्वायर होता है आपके पास, ठीक है। ये आ जाएगा secant स्क्वायर, एंगल वैसे का वैसे आ गया, वैसे तो secant स्क्वायर आ गया वैसे, फिर क्या लेना आपने? इसके एंगल का डेरिवेटिव लेना है। ये चीज आपने याद रखनी, मैं बार बार बता चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के दो स्टेप होते हैं डेरिवेटिव लेने के, पहले फंक्शन का फिर उसके एंगल का आपके पास, ठीक हो गया बच्चों। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा? dy / dx क्या रह गया आपके पास? secant स्क्वायर p tan इनवर्स x। आपके पास p तो क्या है? कॉन्स्टेंट है, ठीक है। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास? 1 / 1 + x² होता है आपके पास। क्लियर हो गया बच्चों? अब जरा गौर कीजिएगा, क्या चीज रह गया? dy / dx इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर पी टैन इनवर्स, पी टैन इनवर्स के बराबर क्या आ जाएगा आपके पास बच्चों? पी अपॉन आ जाएगा 1 + x का स्क्वायर आ गया। अब 1 + x के इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + x स्क्वायर। अब dy / dx आपका किसके बराबर बताया हमने? y1 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं, इसको बाद में कर लेते हैं, चलो। dy / dx विच इज इक्वल टू सेकंड, पी शुरू में ले आए, पी आ गया सेकंड स्क्वायर p tan इनवर्स x आ गया आपके पास। क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ पे भी क्या आएगा? इनवर्स आएगा, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, क्या कहता है? अब dy / dx को आप क्या कहते हैं? 1 कहते हैं, 1 + x² / 1 हो गया आपके पास। क्या आ गया? p, p आपके पास वैसे का वैसे आ जाएगा बच्चों। secant स्क्वायर का फार्मूला क्या था? 1 + tan स्क्वायर p tan इनवर्स x आपके पास। यहाँ भी ये चीज याद रखनी, एंगल उसके साथ साथ आएगा। अब 1 + x²
y1 is equal to p1 plus tan p inverse किसके बराबर था? y के बराबर था। यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा? y का स्क्वायर। ये वाला प्लस के इधर आके क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस का आ जाएगा। ये ले, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया इक्वल टू जीरो। ये आपके पास क्या आ गया? हैंस प्रूव हो गया। ठीक हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया और एक्सरसाइज हमारी क्या हो गया? वाइंड अप हो गई है, कंप्लीट हो गई है। बच्चों मैं बता देता हूँ क्या क्या आपने डेरिवेटिव लिया है। जस्ट आपने टैन है और उसका एंगल है, टैन का डेरिवेटिव क्या होता है? सेकंड स्क्वायर। और उसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, पी कांस्टेंट है, टैन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई, इसको हमने क्या नाम दे दिया? वाई वन का नाम दे दिया। तो सेकंड स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है? पी टैन इनवर्स है, तो ये आ जाएगा। तो ये वाली चीज किसके बराबर है? वाई के बराबर। तो यहाँ पे क्या स्क्वायर है? तो वाई का भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया बच्चों? प्रूफ। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के वान, अस्सलाम वालेकुम।